स्वामी जी, जितना अभी तक आपने बताया उसके हिसाब से बात यह समझ में आ रही है कि सोते वक्त सांस जो है वो नाक से लेनी चाहिए, लेकिन जिनकी किसी वजह से कफ की वजह से, जुकाम की वजह से नाक बंद है और वो नाक से सांस नहीं ले पा रहे, तो उसकी वजह से फिर खर्राटे की आवाज आती है। हाँ देखो, अब ये हलासन भी करो बेटा। अब जिनको ये नाक से श्वास नहीं आ रहा उनको जलनेति सूत्रनेति भी कराते हैं, सर्वांगासन हलासन। अब जो कर सके वो चक्रासन भी कर लेंगे। ये थायराइड भी इससे ठीक होगा, स्नोरिंग स्लिप एपनिया भी ठीक होगा, और गले की पूरी प्रॉपर इससे ट्यूनिंग भी हो जाएगी। वापस अब देखो, अब ये करो उष्ट्रासन, और आपको भी दही छाछ नींबू अचार टमाटर नहीं खाने थोड़ी देर? हाँ, और ऐसे। ये तो छोटा बच्चा इसलिए मेरा साथ निभा पा रहा है। अब जो आप में से भी बड़े बड़े भी जो कर सकते हैं वो कर लेना। इसको, इसकी अम्मा बैठी इधर, इधर आओ माता जी। इसको कैसे ये प्रॉब्लम हुई? सर इसको बचपन से ही है। हाँ, इसको टॉन्सिल भी है ना बहुत ज्यादा। हाँ, टॉन्सिल भी है। हाँ, तो ये टॉन्सिल के कारण से, कफ के कारण से, कोल्ड के कारण से नाक भी बंद रहता है। इसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, सो भी नहीं पाता ये रात में ना। हाँ। उठ के भी बैठ जाता है, नींद इसकी उठ जाती है, नाक बिल्कुल बंद हो जाती है। नाक बंद हो जाती है, लेकिन अच्छा कर रहा है, आसन अच्छा कर रहा है। आपको कुछ नहीं होगा बेटा, आप पूरे अच्छे हो। क्या माता पिता से बच्चों में ये प्रॉब्लम ट्रांसफर होती है? उल्टे लेटो। माता पिता से बच्चों में वात पित्त कफ ट्रांसफर होते हैं, और जिनकी कफ की प्रकृति है, कोल्ड की प्रकृति है, और जिनको ओबेसिटी है, माता पिता से बच्चों में कफ, कोल्ड और ओबेसिटी ये ट्रांसफर होती है, और उसके कारण से ये खर्राटे आते हैं। हर बीमारी उसको बीज दोष बोला जाता है, एलोपैथी में उसको जेनेटिक डिजीज बोला जाता है, आध्यात्मिक शास्त्रों में इसको प्रारब्ध दोष बोला जाता है। दोनों हथौड़ी के नीचे बेटा ऐसे करना, ऐसे आधा मिनट तक रुकना एक पोस्चर में ऐसे, और जिनको ओबेसिटी हो तो वे ऐसे, ओबेसिटी में हो तो 25-50 बार ऐसे करना है। ऐसे करना है ये, और अब दूसरा अभ्यास। स्वामी जी, आजकल खर्राटे से परेशान जो परिवार है, के बाद पीछे से भी उठाने से बैलेंस बन जाता है, वो एक नई तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कई बार जो खर्राटा खुद ले रहा होता है वो खुद ये कदम उठाता है, या फिर परिवार के दूसरे लोग ये कदम उठाते हैं, उसकी नाक में, नाक पर जो बैंड या कोई क्लिप लगा दी जाती है जिससे खर्राटे की आवाज कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। ये तरीका कितना सही है, कितना गलत है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखो, ये कोई तरीके ऐसे नहीं है जिससे खर्राटे दूर होते हों। खर्राटे दूर करने के उपाय जो हमने बताए हैं इनको अपनाएं, और साथ में यदि कफ के कारण से है, वात के कारण से है, पित्त के कारण से, टोन्सिल के कारण से, कारण का निवारण करें। कोच को हमें दूर करना पड़ेगा। लंबे लंबे श्वास, जिनको ओबेसिटी के कारण से खर्राटे आते तो ये अभ्यास, अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन, गोल घुमाओ बेटा ऐसे ऐसे, और प्राणायाम तो करना ही है। उसके साथ साथ जिनको कफ कोल्ड है उनको स्वासारी, लक्ष्मीलास और संजीवनी एक एक गोली खिला दें। लक्ष्मीलास, संजीवनी, स्वासारी एक एक गोली, और दिन भर उनको दिव्य पेय पिला दें। सुबह शाम उनको स्वासारी काढ़ा पिला दें, और ऐसे फिर ये अभ्यास। तो जिनको कफ के कारण से आता है वो फिर ये, अभी मैंने काढ़े आदि बताए, फिर त्रिकुटा, सितोपलादी और श्वासारी पाउडर भी जो है वो एक एक दो दो ग्राम शहद के साथ चटा देते हैं, और गरारे आज हम बताएंगे।